एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पार्ट वन पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको अपने पिछले चैप्टर से भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ। पिछली बार हमने भारत में उदारवादी राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभाव पर कुछ बात शुरू की थी, उसी चीज़ को हम अब आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको कुछ बिंदु स्पष्ट किए थे, एक बार आपके सामने उनको हल्का सा रिव्यू कर देता हूँ। ये वो लोग थे, पहली बात, जो भारत के राष्ट्रीय पटल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के साथ उदित हुए। मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं था कि भारत में आंदोलन की प्रवृत्ति कांग्रेस की स्थापना के साथ 1885 में शुरू हुई, वो उससे पहले भी थी, लेकिन हाँ 1885 के बाद, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद ये पहला राष्ट्रीय प्रयास था नेशनल लेवल का, और इसमें पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधि जुड़े कांग्रेस के मंच पर, और उन्होंने देश की समस्याओं को सरकार के सामने तरीके से रखने की कोशिश की। कई बड़े नाम इसमें शामिल थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, दादा भाई नौरोजी। इन सभी लोगों ने देश के इस उदारवादी राष्ट्रवाद की नींव रखी, इनके विश्वास संवैधानिक साधनों में थे, ये हिंसा में यकीन नहीं करते थे, ब्रिटिश न्यायपालिका में इनका विश्वास था, और इसके अलावा ये इस बात को मानते थे कि भारत से ब्रिटेन के जो संबंध हैं वो केवल और केवल नुकसानदेह नहीं है, बल्कि यदि इन संबंधों को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाया जाए तो ये भारत के लिए भी लाभप्रद हो सकते हैं। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इस उदारवादी आंदोलन का योगदान क्या रहा। देखिए, क्योंकि हम समाज विज्ञान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किसी भी बात का, किसी भी संदर्भ का पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, और दोनों पर ध्यान दिया भी जाना चाहिए। जो अगला अध्याय हम देखेंगे, भारत में गर्मपंथी आंदोलन, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो गर्मपंथी विचारों के समर्थक थे उन्होंने उदारवादियों के इस सारे प्रयासों को एक फ्लॉप शो के रूप की संज्ञा दी, लेकिन जो उदारवादी हैं उनके आग्रह अपने हैं, वो ये मानते हैं कि नहीं, हमने जो किया ठीक किया और हम जो कर रहे हैं वो सही है। दोनों के अपने अपने पक्ष थे, अपने अपने तर्क थे, पर आज हम उदारवादी आंदोलन के योगदान या इसके प्रभाव या इसकी भूमिका की बात करने जा रहे हैं। पहला बिंदु है ब्रिटिश व्यवस्था के दोषों को स्पष्ट करना। देखिए, इस बात को तो आप जानते हैं कि क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो अन्य जो पहला देश का राष्ट्रीय संगठन बना, राजनीतिक मंच, वो ब्रिटेन की सहमति से निर्मित हुआ था। समस्या कई किस्म की थी, भारत आकार में विशाल, एक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक देश, अलग अलग जगह की जलवायु अलग अलग, समस्याएं अलग अलग, चुनौतियां अलग अलग, तो ब्रिटेन को भी दरअसल इस देश पर हुकूमत करने में परेशानियां आ रही थी। उदाहरण के लिए आप आज की बात करें, राजस्थान के में जो हाँ हम लोग निवास करते हैं वहाँ हमारे लिए पानी की समस्या है, लेकिन मेघालय और चेरापूंजी में वहाँ बाढ़ समस्या है। दोनों जगहों के नियम कायदे कानून आप समान नहीं बना सकते। ब्रिटिशर्स को ये दिक्कत आ रही थी कि देश को हुकूमत करनी है और हमने ये वादा भी किया है कि हाँ एक नया जो शासन देंगे, पर वो किस तरह से दिया जाए, तो उन्होंने एक मंच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। ए ओ ह्यूम, ये नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, वो स्थापना ऐसी करते हैं और पूरे देश के जो अलग अलग क्षेत्रों के राजनीतिक प्रतिनिधि थे वो इसमें जुड़ते हैं, और ये इनका मुख्य कार्य ये था कि ये अपनी मांगों को, जनता की जो आवश्यकताएं थी उनको सरकार तक पहुंचाएं और सरकार की भी नीतियों की आलोचना करें। देखिए, आलोचना कोई बुरा शब्द नहीं है, आप अपने आप को ठीक कैसे करेंगे जब तक आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, आपकी कमियों को सामने नहीं लाया जाएगा।
तो उदारवादियों का सबसे जो एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो ये है कि इन्होंने ब्रिटिश शासन की कमियों को स्पष्ट किया उनके सामने उनके ही तरीके से। दूसरा बिंदु, भारतीय राष्ट्रीयता का जागरण। देखिए ये महत्वपूर्ण है, जब लगातार भारत के शासन में, मैंने आपको स्पष्ट किया था 1857 की क्रांति के बाद भारत को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश घोषित किया और उसके बाद नियम कायदे कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाने शुरू किए, भारत के लिए भारत मंत्री अलग से एक पद बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ये सारी कार्रवाई तो हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन का रवैया भारतीयों के प्रति कोई बहुत ही पॉजिटिव नहीं रहा और भारतीय इस बात को देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी बड़ा ज़रूरी हो गया था कि उनको किस भाषा में जवाब दिया जाए। तो जब ये जो उदारवादी नेतृत्वकर्ता थे शुरुआत के दौर के, जो ब्रिटिश शासन को वरदान मान रहे हैं, अपनी बात से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संवैधानिक प्रावधानों में यकीन रखते हैं, हिंसा में जिनका विश्वास नहीं है, आक्रामकता के प्रति जो बहुत आशावादी नहीं हैं, जब इन्होंने अपने क्रियाकलाप प्रारंभ किए तो यकीन मानिए इन्होंने भारत के थोड़े से उग्र तौर तरीकों को भी एक दिशा दिखाई। याद रखें, आपकी असफलता ही नए मार्गों की ओर आपको प्रेरित करती है, यदि आप सफल होते जाएंगे तो अपना रास्ता क्यों बदलें। तो उदारवादियों की असफलता में भी भारत की सफलता छुपी हुई थी और राष्ट्रीयता इससे उभर कर सामने आई। अगला बिंदु है राजनीतिक शिक्षा का माध्यम। देखिए, पॉलिटिकल एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप सब लोग अब कॉलेज के स्टूडेंट बन गए हैं, आप क्या मानते हैं कि केवल चुनाव में वोट दे देना से आपका दायित्व पूरा हो जाता है? नहीं, राजनीतिक शिक्षा का आशय यह है देश की राजनीतिक प्रक्रिया, अपने मत के महत्व, सरकार की आलोचना, सरकार का समर्थन, नीतियों का मूल्यांकन, ये सब जनता के कार्य हैं। आप इससे अपने आप को बाहर नहीं कर सकते। जब आप 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेंगे तो इस बात को ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। आखिर जो मतदान की आयु 21 साल से 18 साल घटाकर की गई, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि युवा वर्ग अभी से राजनीतिक मामलों में जागरूक हो, रुचि ले और आगे बढ़े, ताकि जो फ्यूचर में नेतृत्व सामने आए वो बहुत बेहतर किस्म का हो। अब हम इस उदारवादी आंदोलन की बात करें तो इसने देश में जो इसमें जुड़े हुए लोग थे, वकील थे, पत्रकार थे, लेखक थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, न्याय के जज वगैरह भी थे, जनप्रतिनिधि थे, किसान नेता थे, छात्र नेता भी शामिल थे इसके अंदर, इन लोगों ने मिलकर जिस जिस क्षेत्र में ये लोग काम करते थे वहाँ वहाँ जो इनका एरिया था, इनका क्षेत्र था, वहाँ के लोगों को देश की राजनीति के बारे में जागरूक करना प्रारंभ किया। वरना उससे पहले ये हो रहा था कि नियम कायदे कानून शासन इनके बारे में जनता के पास जागरूकता का वो स्तर नहीं था जो कि अपेक्षा की जा रही थी, और कई बार कानून टूट रहे थे बेख्याली में। याद रखिएगा, ये उदाहरण मैं अपनी क्लास में कई बार देता हूँ, सड़क पर जब आप जाते हैं, तीन लाइट दिखती हैं आपको, ट्रैफिक स्ट्रीट लाइट जो होती हैं, रेड लाइट पर आपको रुकना है। उससे पहले जो नारंगी लाइट होती है, ऑरेंज लाइट जो होती है, वो ये बताती है कि अब लाइट बंद होने वाली है, रेड होने वाली है। यदि किसी को ये नियम पता ही नहीं है और वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश करता है और उसका एक्सीडेंट होता है, तो ये पनिशेबल क्राइम नहीं है, ये दंडनीय अपराध नहीं है, क्योंकि वो इसके बारे में जानकारी नहीं है। उस समय दिक्कत आ रही थी कि ब्रिटिश शासन के नियम कायदे कानून भारतीयों की समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो नियम कानून एक वो संस्था बना रही है जिसका आपके देश से कभी कोई संबंध नहीं रहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिशर्स, जहाँ भारतीय है ही नहीं। तो इसका एक पक्ष भी सामने आया कि जो ये जो उदारवादी नेतृत्वकर्ता थे, इन्होंने जनता को जनता की भाषा में बताना शुरू किया कि राजनीतिक क्षेत्र में आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, और आपको कैसे अपने क्रियाकलापों को ब्रिटिश शासन के नियम कायदों से जोड़ते हुए आगे बढ़ाना है। अगला बिंदु, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी, क्योंकि देखिए शुरुआत में उदारवादी आंदोलन आगे बढ़ता गया, लेकिन जो ये मांगे कर रहे थे उनकी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तवज्जो उतनी नहीं थी जितनी की उम्मीद की जा रही थी।
बाद में जाकर इनमें गर्मपंथी जुड़े, नए तरीके अपनाए गए, फिर एक गांधीवादी युग आया, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव को रख दिया था बड़े सॉफ्ट और मुलायम तरीके से। और इनकी एक उपलब्धि, फिर ख़त्म करते हैं आज की अपनी बात को, 1892 में भारत परिषद अधिनियम एक बना जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। हालांकि इसमें 100 कमियां थीं, भारतीयों की जो अपेक्षाएं थी उस पर खरा नहीं उतर रहा था, लेकिन हाँ, नियम बनना ज़रूरी था और वो बना। याद रखें, कमियां खामियां बाद में ठीक की जा सकती हैं, दूर हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी होता है चीज़ों का बनना। और ये जो 1892 का पहला अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम, ये उदारवादियों की जीत के रूप में पहचाना जा सकता है। धन्यवाद।